मानसिक के बाबा छोटी करते हैं लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बाबा। बाबा का जीवन दान क्या होगा, क्रिकेट पसंद नहीं आता विश्व ने, लेकिन यहां से करक्षण के थोड़ी सी के बाद और मैन ऑफ के दो लोगों ने मैन ऑफ के जो संरक्षण थे उनसे थोड़ी सी हाना हाना में कैच को छोड़ दिया। निशु हमसे दूर जाते हुए और वहां टिकट के पास अभी विस्मय हुआ, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन उगाई दो रन और इस स्कोर के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। और इस मैच को देख रहे हैं हमारे व्यवस्थापक अमित कुमार और पिंटू सिंह के बैनर तले अब तमाम दर्शक यहां पर उपस्थित है। सभी दर्शकों का अभिनंदन है इस बात को, प्रखंड के किशियोता हाई स्कूल मैदान पर तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। भाई शेयर कर दे, जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर भी करते रहे, सफर इंजन को फॉलो भी कर ले। अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद उसको खेला है, खुद स्लिप के क्षेत्र में वहां की संरक्षण ने गेंद को गेंद किया, कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी निशु इस ओवर में भी करते हुए। ओवर का अंतिम ओवर चलता हुआ फिर से ये गेंद और फिर से उसको ढीले बल्ले से खेला है, लेकिन वहां पे अच्छी रनिंग और वहां पे थ्रो भी थोड़ा सा जल्द नहीं कर पाए। संरक्षण विकेट के बाद हमेश टीम का पक्का हुआ स्कोर 27 रन, 27 रन ओवर प्ले का लुम्बनी में देखते हैं भाई कब आ रहे हैं, बात चल रही है, आएंगे तो बताएंगे भाई। वापस आ चुके हैं काफी किफायती गेंदबाजी ओवर प्ले में, बहुत अच्छी गेंद और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, तो चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है पावर प्ले का। कहाँ कहाँ से लोग देख रहे भी बता रहे, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद और आई आगे का खेल का विवरण हम चलते हैं मोहम्मद खास के पास जो आजमगढ़ से आई है। चार ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 27 रन। धन्यवाद चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर में आपको बता दूं, स्कोर इस वक्त 27 रन है, एक विकेट के नुकसान पर। और ये जो मैच चल रहा है ये मैच है समस्तीपुर बनाम मुजफ्फरपुर, इन दोनों टीमों के दरमियान आज के लीग का ये दूसरा मैच, इसी होता प्रीमियर लीग के नाम से इस टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं आगाज किया गया है। नेपाल भाई चार ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 27 रन। इस वक्त मैदान में देखने को मिल रही है स्ट्राइकर संदीप नारी स्ट्राइकर है बाबा, गेंदबाजी करने के लिए छोटू तैयार। पांच ओवर चार ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले समाप्त हो चुका है, चार ओवर का पावर प्ले यानी 38 आरे के अंदर आप लोग खिलाड़ी रह सकते हैं। पावर प्ले के अंदर जो आखिरी दो जो खिलाड़ी होंगे वो आपके फील्ड पोजीशन यानी फॉर्म स्टेशन के बिल्कुल करीब देखने को मिलेंगे। छोटू अपने कुत्ते का दूसरा ओवर लेकर तैयार है, पहली गेंद आप स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, अर्पित मिला था इस वक्त बल्लेबाज को, कितना बढ़िया इस्तेमाल कर रही है फुट का, बढ़िया तरीके से शॉट खेला है। स्कोर में आपको बता दूं इस छक्के के चलते स्कोर पहुंच चुका है 33 रन, 33 से स्कोर बोर्ड के ऊपर। छोटू अपने कुत्ते का दूसरा ओवर, टीम के कुत्ते का ये पांचवा ओवर लेकर आए हैं। चार ओवर के पावर प्ले के समाप्त होने के बाद फील्ड पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल रही होगी, जिस तरीके से चार ओवर के पावर प्ले के अंदर विशाल सिंह नेपाल बॉर्डर से देख रहे हैं, शुक्रिया भाई शेयर कर दे भाई। इसी बीच अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, दोनों पैरों को बैठ करने के बाद भी विकेट के ऊपर से सिक्स लगाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद आगे टकराई सीधे उनके भरण से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक विकेट अभी तक मात्र गिरे। पांचवा ओवर की प्रगति पर है जफर इंजन के फेसबुक पेज के माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहा है। सिकी चलने के फिर से बढ़िया गेंद थी, सौ लेंथ की गेंद भी थी, फंसाया था इस वक्त का बल्लेबाज को छुटू ने, उंगलियों का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्क का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं,
और टेनिस क्रिकेट के अंदर अगर आपके पास वेरिएशन है, अगर आपके पास ओवर लेंथ की डिलीवरी है गति के साथ, अगर आपने अच्छी बाजी की स्लोअर लेंथ के साथ, तो फिर आप छुटाते नजर आएंगे बल्लेबाज को और अभी तक वही करते नजर आ रहे हैं छुट्टू। इसी बीच अगली गेंद बढ़िया शॉट लगाया है, स्ट्रोक बढ़िया लगा है, लेकिन देखना पड़ेगा पार में इशारा छह रन का आ चुका है, तीस ओवर में दो छक्के आ चुके हैं, स्कोर है 39 रन। बंगलोर से भी लोग देख रहे हैं, शुक्रिया भाई, आप लोग शेयर करते रहे। रन रेट की अगर बात करें तो बढ़िया रन रेट चल रहा है, दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा सा सहयोग के साथ जरूर खेला। विशाल सिंह थैंक यू सो मच भाई, रन रेट के साथ चल रहे, बढ़िया रन रेट चल रहा है। सीधी अगली गेंद बढ़िया गेंद, एक आसानी के साथ मिल जाएगा इसे के साथ, मैं आपको बता दूं स्कोर है 40 रन, पांचवा ओवर की प्रगति पर है। भाई कल आ रहे हैं नजारे भाई, अगर उनके स्टंट से अगर कोई भी गेंद जाके टकराएगी स्टंट से तो फिर वो टार्ट डिलीवरी मानी जाएगी, और ऐसा होता है जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, अगर उनके स्टंट से जाके गेंद टकराती है तो टार्ट डिलीवरी होती है, यानी ये न गेंद होगी न रन होगा। स्कोर मैं बता दूं आपको 39 रन है, छोटे तैयार फिर से पता होगा वाली बात पे, इस बार बढ़िया गेंद बिल्कुल खराब होने में गेंद डाली गई थी, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। मुंबई में भाई आप लोग कहां से देख रहे हो, मौसम भी बताते रहो कैसा, इधर बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, 7 डिग्री है भाई यहां पे टेम्परेचर। अभी भी 39 रन, पांचवा ओवर की प्रगति पे चल रहा है, 4 ओवर के पावर प्ले के बाद जो स्कोर था इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं, जिस रन रेट के साथ इस वक्त बल्लेबाजी चल रही है, दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया बल्लेबाजी की है। सीधी चली गई और बढ़िया शॉट लगाया है, हमने दोनों पैरों को रेंज देख लिया था, 3 छक्के इस ओवर के अंदर आ चुके हैं, क्या बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है, बिल्कुल आक्रामक रवैया बना के रखा हुआ है दोनों बल्लेबाजों ने, इस ओवर के अंदर 3 मैक्सिमम, 3 लंबे लंबे हीरे लगा चुके हैं भाई, छोटू का ये ओवर काफी खर्चीला साबित होता हुआ, स्कोर मैं आपको बता दूं 45 रन हो चुके हैं, 5 ओवर 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम। अंकित कल की क्या मैच 20 तारीख को इस वक्त मैदान में देखने को मिल रही है, संदीप ने इस ओवर में 3 लंबे छक्के लगाए हैं, छोटू का ये ओवर काफी, कहां पे बारिश हो रहा है भाई, इधर तो बहुत ज्यादा ठंड है भाई, 16 ओवर का ये मुकाबला जफर एंजल के फेसबुक के माध्यम से, ये पूरा मुकाबला कल से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लगभग 2,82,000 फॉलोअर हमारे पूरे हो चुके हैं, पहली गेंद पर, पहली गेंद पर क्या बेहतरीन शॉट लगाया है, 51 स्कोर बोर्ड के ऊपर 50 के आंकड़े को भी पार कर लिया है इस वक्त समस्तीपुर, जो बल्लेबाजी करती नजर आ रही है, क्या बढ़िया शॉट लगाया है इस वक्त, मैं आपको बता दूं बाबा और संदीप की जोड़ी पटना में, पटना के पास मैच हो रहा भाई, निशु आए पटना बिहार कर चुके, करने के लिए आए, इसी भी तगड़ी गेंद निशु की, बढ़िया गेंद की, तन्वीर बाहुबली का भी मैच होगा भाई, दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया इस एक के साथ, स्कोर में इजाफा, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका है 52 रन, जैसा कि हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं 52 स्कोर हो चुका है, और ये छक्का ओवर की प्रगति पर है, 16 ओवर के इस मुकाबले के अंदर तैयार फिर से पटा बॉलिंग करने के लिए, छोटा सा रनअप है, उस रनअप के साथ कृपाजी कर रहे हैं सामने, अब आए संदीप जिन्होंने कल है नजारे भाई के मैच कल है, इसी बीच अगली गेंद फिर से अपने दोनों पैरों को बैठ करने के बाद मिड विकेट के ऊपर संभालने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, गेंद बल्ले के साइड इधर की, बल्ले का दूरी किनारा लेकर गेंद ने मिड विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, 3-1 रन से इस वक्त तालाब होने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों की, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 53, अगली गेंद बाबा के लिए थोड़ा सा जल्दी खेल, अगर यही गेंद का इंतजार तो गेंद उनके बल्ले के मिडिल ऑफ का बैग जाके जरूर टकराती, थोड़ा सा जल्दी करती वहां पर, बाबा ने फिर भी एक आसानी के साथ
एक एक रन से यहाँ पे दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस बार भी रसीद निकालने का प्रयास, लेकिन पहले ही देख लिया था कि फासले की इस मरतबा जो बल्लेबाज है वो रिवर सीप खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो गेंद ने उतना ज्यादा गति नहीं प्रदान की बल्कि हल्की सी गेंद कर दिया। अगली गेंद फिर से तैयार, इस बार भी बढ़िया गेंद थी, बढ़िया गेंद भी थी ये गेंदबाज की। ओवर की समाप्ति का ऐलान 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में आपको बता दूं स्कोर है 54 रन। 6 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 54 रन। भाई आप लोग कहाँ कहाँ से देख, ठंडी बता दो कैसी है इधर, तो टेम्परेचर 7 है 7 और 8 दिखा रहा है, काफी ज्यादा ठंड है भाई, और इतनी ठंड में मैच गेंद पकड़ना कितना भाई नहीं। सफर सामने आप लोग को वीडियो मिलेगी सफर इंजेट पे हाईलाइट। जी मेरा नाम, मेरे यूट्यूब चैनल है जफर एनजेड नाम से, ZFAR ENZ, उसपे हाईलाइट मिलता है भाई शाम को। फर्स्ट इनिंग है भाई, नेपाल में आने वाला हूँ भाई विशाल सिंह भाई। बाइक है भाई, बाइक है।
बिहार का ये एक अच्छा क्रम हमें देखने को मिल रहा है, मात्र ₹1 एंट्री फीस, और उसके बाद अगर आपने बाइक इनाम रखा तो ये बहुत बड़ी बात है। अमित कुमार उर्फ मिंटू सिंह जी जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, मैं इनका वेलकम कर रहा हूँ कि आपने इतना बढ़िया टूर्नामेंट कराया है। हम बहुत सी जगहों पे जाते हैं लेकिन मात्र ₹1 एंट्री फीस के साथ अगर आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इतनी बड़ी भीड़ जो आपको देखने को मिल रही है, जो आपकी मोहब्बत में ये सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, साथ ही हमारे साथी कमेंटेटर, मैं आपका भी वेलकम कर रहा हूँ कि आपने अपनी आवाज से इन तमाम दर्शकों का जो दिल जीता है कल से आज तक, आपका भी मैं वेलकम कर रहा हूँ सर। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, लीग का दूसरा मैच है आज का, हाजीपुर वर्सेस समस्तीपुर। पहले बल्लेबाजी कर रही है समस्तीपुर और अभी तक स्कोर बोर्ड के ऊपर मैं आपको बता दूं 62 रन लग चुके हैं मुजफ्फरपुर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62, 8 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 62 है। गेंदबाजी करने के लिए लंबे तक के लिए बॉलर है बुमराह, नाम इनको दिया गया है। आने वालों को पता नहीं क्या है भाई, 40-50 हजार रुपया होगा भाई। एक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, स्कोर पहुंच चुका है 67।
तीन विकेट के नुकसान पर आधा ओवर की प्रगति पर है। जी जी बिल्कुल, तैयारी कर रहा है। जफर इंजन के फेसबुक के माध्यम से आप तमाम लोग इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं और जो लोग घर है वो घर से भी इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। तैयार फिर से करता बुमराह सीधी अगली गेंद, आप इस शब्द से थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति का भी ऐलान हो चुका है। तो आठ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर में आपको बता दो 67 रन तीन विकेट के नुकसान पर और अभी भी आठ ओवर आने शेष बचे हुए हैं, स्कोर 67 बन चुके हैं। तो कितने रनों का टारगेट इस वक्त टीम समस्तीपुर देख रही है, कितने रनों का टारगेट देना चाहेगी सामने वाली टीम मुजफ्फरपुर को। अभी भी आठ ओवर शेष बचे हुए हैं और अभी भी सात विकेट हाथ में है, तीन विकेट मात्र गिरी है। संदीप का विकेट जरूर गिरा है, हालांकि संदीप फॉर्म में नजर आ रहे थे, इरफान नजर आ रहे थे, बल्लेबाजी उन्होंने बढ़िया की है इस पूरे मुकाबले के अंदर। चार ओवर का जो पावर प्ले था, पावर प्ले में बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया था पावर प्ले का। 38 आने के अंदर वहां खिलाड़ी थे, दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब थे तो उसका बिल्कुल फायदा उठाया था संदीप ने। संदीप और बाबा की जो जोड़ी आई थी वो मैदान से बाहर जा चुकी है। अब हेमंत और उनके साथ सानू बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, ये दोनों जोड़ी अब मैदान पर है। नौ ओवर की प्रगति पर है, गेंदबाज के रूप में मैं आपको बता दूं गुलशन करने के लिए आए हैं। इक्के कोटे का ये दूसरा ओवर है और इक्के कोटे का ये नौवां ओवर लेकर आए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फिसलने के बाद फिर से सरका बढ़िया गेंद, थोड़ा सा गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और स्विंग कराते नजर आ रहे हैं। और अगर आपके टेनिस क्रिकेट के अंदर आपके पास अगर इन स्विंग आउट स्विंग है तो आप एक बढ़िया टैलेंटेड उभरते हुए सितारे नजर आएंगे और उसी का फायदा मिला इस वक्त गुलशन को। गेंद पड़ने के बाद अंदर और बाहर की तरफ जरूर रवाना हो रही है। लेफ्ट आर्म मीडियम फिसलने के पास है, उनके सामने राइट हैंड बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। तैयार फिर से मरता गुलशन के पास ही करने के लिए सीधी चली गई। बढ़िया गेंद, अपील जरूर की है अंपायर से लेकिन अंपायर ने नकारा है। जरूर आपकी अपील में दम था लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा। स्कोर में आपको अभी भी 67 में रुका हुआ है, नौ ओवर की प्रगति पर है। चार ओवर में जो रन आपने बटोरे थे पावर प्ले के समाप्त होने के बाद थोड़ा सा अंकुश लग चुका है इस वक्त स्कोर बोर्ड के ऊपर। तैयार फिर से मत आकर्षण के पास ही करने के लिए अंपायरों ग्रास के बिल्कुल करीब पहुंचे, तालियों के सहारे खेला है लेग साइड की दिशा में और जब तक की गेंद फिर लेकर जाते हैं दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। इसी के साथ मैं आपको स्कोर बता दूं, स्कोर पहुंच चुका है 68 रन, नौ ओवर की प्रगति पर। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर करता है वो हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है, अमित कुमार सिंह जी, जो इस पूरे टूर्नामेंट को इन्होंने है, बहुत बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए। बढ़िया शॉट लगाया है, बढ़िया के शॉट के साथ इस गुलशन के इस ओवर एक और बढ़िया शॉट लगाया और इस शॉट के साथ मैं आपको बता दूं इस ओवर पहुंच चुका है 74 रन, नौ ओवर प्रगति पर स्कोर बोर्ड के ऊपर। का ये ओवर अभी तक तो आप सही जा रहे थे लेकिन जैसे ही देखा की गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल रही है तो बैकफुट पे जाके जिस तरीके से कमर के ऊपर से शॉट लगाया है और ऐसा शॉट खेलना बहुत मुश्किल शॉट, बैकफुट से जाके कमर के ऊपर से शॉट खेल लिया तो ये आपके टैलेंट को दिखाता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं अपने बैकफुट का और कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं आप अपने कलाइयों का। ये क्या है बल्लेबाज है इस गेंद के ऊपर। गुलशन फिर से तैयार बॉलिंग मार के स्टार बढ़िया गेंद, थोड़ा सा खींची हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने इस बार जरूर जवान भाई बोलो भाई क्या कह रहे हैं। सरफराज भाई का मैच अभी नहीं है भाई। ओवर की समाप्ति का भी ऐलान हो चुका है, ओवर की समाप्ति के बाद मैं आपको स्कोर बता दूं, स्कोर है 75 रन, 75 स्कोर बोर्ड के ऊपर। ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 75 रन भाई। आज के दिन का ये दूसरा ये मैच पटना में खेला जाए, पटना से 50 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये मैच हो रहा है भाई। सिद्धार्थ प्रीमियर लीग फर्स्ट प्राइज स्प्लेंडर
भाई की इस टूर्नामेंट में दिया जाएगा। मात्र एक रुपए एंट्री फीस के साथ इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है अमित कुमार सिंह जी और मिंटू सिंह जी ने। मैं आपका सर वेलकम कर रहा हूँ और मैं आपके लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो मिंटू सिंह जी, कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया। लेकिन सुना है मिंटू सिंह जी, आप जो सभी का ख्याल करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिंटू सिंह जी। तो आपने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आज के दिन ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। और यहाँ आने के बाद वाकई में बहुत खूबसूरती नजारा नजर आ रहा है यहाँ के लोगों का, यहाँ के दर्शकों का। नुमान कंपनी अभी नहीं आई भाई, आने वाली है, देखो किस वक्त में आती है। कहना चाहूंगा मिंटू सिंह जी के कदम कदम पे, कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया। लेकिन सुना है आपको सभी का ख्याल करते हो। और एक चीज आपके लिए और कहना चाहूंगा कि हुस्न परियों सा चमक चांद से लाया होगा, हुस्न परियों सा चमक चांद से लाया होगा, शबनमी होठों को फूलों से सजाया होगा, और तुमको देखा तो काली घटाओं ने कहा ये कि कितनी फुर्सत से तुम्हें मिंटू सिंह जी आपको बनाया होगा। भाई कम से कम आप लोग तालियां बजा दीजिए, दर्शक आप लोग तालियां बजा दीजिए तैयार फिर से मरता हूँ आपके पास करने के लिए। भैया के कलाइयों के सहारे एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर में आपको बता दूं, स्कोर पहुंच चुका है 81 रन हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड के ऊपर 81 रन बच चुके हैं। और जिस बुलंदी पर आप पहुंचे हैं सर, मैं आपके लिए चिजा कहना चाहूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। अगर दर्शकों अच्छा लगे तो तालियां बजाना। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अगर आप उस बुलंदी तक पहुंच गए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका अखलाक कैसा है, आप लोगों से बातचीत किस तरीके से करते हैं, आप बुलंदी पर पहुंचे ये बहुत बड़ी बात है। सर हम आपके लिए दुआ दो हैं, आप और सफलता हासिल करें। शुक्रिया आपका सर मैं अदा कर रहा हूँ। और वाकई में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ। एक एक बच्चा ऐसा नजर आ रहा है जैसे पूरे टूर्नामेंट में लिप्त हो चुका है। इसीलिए चलिए थोड़ा की अपील जरूर की जा रही है, और अंपायर ने उस अपील को हाँ में तब्दील कर दिया। एक और विकेट गिरा है, इस एक विकेट के साथ मैं आपको बता दूं ये चौथा झटका लगा है टीम को, समस्तीपुर को ये चौथा झटका लगा है। अर्थात लगातार हुए गौरी भाई, आफ्ताब साहब, ये तमाम लोगों का मैं किसी होता प्रीमियम लीग बिहार के इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। मैं आपको स्कोर बता दूं, स्कोर इस वक्त 82 है स्कोर बोर्ड के ऊपर, 82 स्कोर बोर्ड के ऊपर। ओवर में आपको बता दूं, ओवर समाप्त हो चुका है लगभग। नौ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर मैं आपको स्कोर बता दूं, 82 है स्कोर बोर्ड के ऊपर, 82 स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, 10 ओवर 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर का पावर प्ले समाप्त होने के बाद जिस तरीके से गेंदबाजी की गई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगा के रखा है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी चली है भाई, रिप्ले हम नहीं दिखा सकते भाई, लाइन और लेंथ को भापा हुआ है टेनिस क्रिकेट के अंदर। जब तक अंपायर नहीं बोलेगा हम रिप्ले नहीं दिखा सकते, अंपायर बोलेगा तो हम दिखा सकते थे भाई। विकेट किस तरीके का प्रदर्शन आपसे मांग रही है, तो समझिए आप बहुत बड़ी बात है, और आपने अचीवमेंट का होना बहुत जरूरी है। सामने कोई भी बल्लेबाज हो लेकिन आपको अपना 100% देना है, और वही करना पड़ता है आपको क्रिकेट के अंदर, चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, चाहे वो लीडर बॉल क्रिकेट हो, सीजर बॉल क्रिकेट हो, क्रिकेट को निश्चिंताओं का खेल कहा जाता है, और क्रिकेट को मां धार प्रतियोगिता भी कहा जाता है। टेनिस क्रिकेट आजकल इतनी फास्ट हो चुकी है, 6 ओवर में 100-150 रन बनते हुए नजर आते हैं, तो क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है। बल्लेबाज का बोलिए सर जी, क्या कह रहे हैं कृष्णा उमर भाई, क्या कह रहे हैं भाई, बातचीत करने के लिए।
गेंदबाजी करने के लिए बुमराह आए हैं। लंबा सा रन पर भारत राज का विकेट में नहीं पहुंचे, लेकिन लंबे शॉट खेल दिया है, बड़ा शॉट लगाया है, ये लगाकर होट पानी में गुलाटी कर गया और वो तालाब तक के मछलियों को इशारा भी कर गया। बढ़िया शॉट लगा दिया चाबु की शॉट, एक और बढ़िया शॉट, स्कोर पहुंच चुका है 88 रन। अभी कोई कंफर्म नहीं है, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 88, 10 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 88 है। अभी भी शेष बचे हुए 36 गेंदें आनी बची हुई है, अब देखना पड़ेगा इन 36 गेंदों पर समस्तीपुर कितना रन बनाती है। जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से मैं तमाम आज नहीं है अमर भाई, आज वो सामान्य उमान भाई नहीं है, 20 तारीख को हो सकता है, 20 तारीख के अभी भी 36 गेंदें आनी बची हुई है, 36 गेंदों पर समस्तीपुर कितना रन बना पाती है ये आने वाला वक्त बताने वाला है। 36 गेंद अभी भी शेष है, 16 ओवर का ये मैच, 16 ओवर का ये मुकाबला, देखना पड़ेगा इन 36 गेंदों पर कितना रन बनता है। सर जी मैं जान रहा हूँ, प्रमोद गुप्ता जी मैं आपको बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, आपका स्वागत है हमारे पेज जफर एंजेट पे, और हमारे जो साथी का मैं शाम में बात करते हैं प्रमोद भाई। परमेंद्र गुप्ता जी भाई आप मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कैफ अंसारी भाई एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, गुलाब लेके डीपी पे लगाए हो कैफ भाई, अच्छी लग रही है, काफी ठंड है यहाँ पे, आप लोग वहाँ कैसी ठंड है कि नहीं ये भी बताते थे भाई। सिक्स कैब भाई एकदम बढ़िया, अपनी बताओ ठंड वहाँ पे कैसी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। अरे कैब भाई चाहिए रहने दीजिए, गुलाब किसी और को दे दीजिए, हाँ बहुत ठंड यहाँ पे, टेम्परेचर 7 दिखा रहे 7। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे बाउंड्री लाइन से, और ये मैच चलता हुआ जफर एंजेट के फेसबुक पेज से लाइव चल रहा है, और हमारी जफर जी इस ठंड के मौसम में पूरी टूर्नामेंट का कवरेज करने के लिए मैं ही आजमगढ़ से बुलाया हूँ, बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, और अंपायर का इशारा वाइड और इस अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 96 रन। एकदम बढ़िया भाई गुलाब दे भेज रहे प्रकाश कुमार भाई, थैंक यू सो मच भाई। पहले इनिंग का फिर से लड़की अंपायर को क्रॉस किया कृष्णा के लिए, और कृष्णा ने उसको उठा दिया है, और वहां पे फैंस क्या चाहिए, बहुत अच्छे फील्डिंग वहां पे फैंस का, लॉन्गेस्ट शॉट थी थोड़ा सा बैट पे सही तरीके से जब नहीं कर पाए, लेकिन कैप्टन ने जिस तरह से आमंत्रित किया था कृष्णा को आउट करने के लिए बुलाया गया, और कृष्णा ने एक छक्के लगा के पवन वापस जा रहे हैं,
लगता हुआ आधा विकेट के पाबंदियां हो चुके हैं। अब आए हैं बल्लेबाजी करने कुंदन मलिका। राजा आए हैं बल्लेबाजी करने। दोनों का थोड़ा सा सकल मिल रहा था टोपी के कारण। और ये मैच कल इसी ग्राउंड पे तीसरा लीग मैच पटना बनाम सोनपुर के बीच खेला जाएगा। जो पिछले सीजन की विजेता टीम है पटना, और कल तीसरा लीग मैच और अंतिम लीग मैच 30 जनवरी को खेला जाएगा। और पहला सेमीफाइनल मैच 21 जनवरी, दूसरा सेमीफाइनल मैच 27 जनवरी और फाइनल 28 जनवरी को खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट का जो प्रत्येक दिन का जो मैच का विवरण था हम तमाम दर्शकों के बीच आप लोगों को मैंने बारी बारी से बता दिया कि आप लोग याद जरूर रखेंगे। फिर से नंगी अपने बॉलिंग पर थे राजा के लिए बैट्समैन कार्ड लेते हुए राजा अंपायर सुरोजी। तमाम दर्शकों का अभिनंदन है कि श्रोता के हाई स्कूल मैदान की नंगी अंपायर को क्लोज किया यही और उसको ढीर वगैरह से खेला है ऑफ शॉट के खिलाड़ी। कोई गलत नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है 96 रन। 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस आ चुके हैं 30 गेंदों का खेल शेष बाकी। और मैं बता दूं कि आज कौन सी टीम विजेता बनती है वो तो समय ही बताएगा। अच्छी कोशिश कर रही है बुमराह, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक बुमराह अपने स्तर में। और ये मैच चलता हुआ किशोरता के हाई स्कूल मैदान पे आज दूसरा लीग मैच समस्तीपुर बनाम मुजफ्फरपुर के बीच। तमाम दर्शकों का अभिनंदन है इस किशोरता के हाई स्कूल मैदान पे आप सभी लोगों को। बाहुबली का मैच 20 तारीख को है सर। अंपायर को क्रॉस किया हेमंत करिए। तेज गति की गेंदबाजी सीधे विकेट के ऊपर का दस्ताना हुई। बुमराह आकाश उर्फ बुमराह के नाम से मशहूर है, सीम एक्सेल है टेनिस में। और आज बुमराह स्टार थी मुजफ्फरपुर के टीम में खेलने बहुत उभरता हुआ गेंदबाज है। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए काफी लंबा रफ अंपायर रंजन को क्रॉस किया ये गेंद और उसको खेल दिया पॉइंट के शॉट में। खूबसूरत सा ये शॉट वालिसी के साथ इतना फैलागन समस्तपुर का जा पहुंचा स्कोर 100। शतक पूरा होता हुआ 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस आ चुके हैं। बराबर ओवर चलता हुआ इसके बाद भी 4 ओवर का खेल से बाकी पहले इनिंग का। हेमंत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम लम्हों का मैच चलता हुआ पहले इनिंग का। फिर से बुमराह हमसे दूर जाते हुए खेला है उसके पीछे खिलाड़ी है कोई गलत नहीं। अच्छे खेले वहां पे मनीष के द्वारा और इस टीम के भविष्य जो कैप्टन है वो इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं, अभी भी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं। और दोनों टीम के कैप्टन गवर्नमेंट सर्विस में है, संदीप भी गवर्नमेंट सर्विस और भविष्य भी। फिर से ये गेंद और फिर से उसको खेला है लेकिन वहां पे रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन वहां पे खो करना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिद्ध रक्षों को थ्रू करना चाहिए था लेकिन वो भी उसे हाथ में रख के इशारा भर कर रहे थे। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कोई गलती आपको भी महंगी साबित कर सकती है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना नामुमकिन लेकिन एक टेनिस गेंद है। अंतिम ओवरों में भी 36 रनों की जरूरत अगर हो तो कहना बहुत इजी लगता है। कल दिया है गेंद उसके पीछे भावे से लेकिन गेंद रुकना अशुक्र रहा वहां पे। बहुत तेज शॉट थी हेमंत का और गेंद सीधे 4 रनों के लिए और इस शॉट के साथ भाई आओ आपकी भी जरूरत है। 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद बराबर ओवर चलता हुआ अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में ही बुमराह की।
अच्छी गेंदबाजी करके दिया है फिर से कुमरा हमसे दूर जाते हुए और अंपायर का इशारा ओवर की थी समाप्ति। तो 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टीम का स्कोर है 104, 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद और हम तमाम दर्शकों से क्या भाई पहले बात करके निकलिएगा मुझसे, इसलिए आप तमाम दर्शक जहां पे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, खेल को तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। कैप्टन संदीप आप 4 ओवर के बाद तुरंत तैयार हो जाइएगा क्योंकि समय काफी हो चुका है, ठंड का मौसम है, 16 ओवर आपको भी गेंदबाजी करना है। जितने भी हमारे बाउंड्री लाइन पे तमाम दर्शक हैं आप जो उस पर्दे को हिला रहे हैं थोड़ा सा मत हिलाइए, विजेता टीम को 28 जनवरी को इसी ग्राउंड पे शानदार फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन सी टीम विजेता बनती है वो तो समय ही बताएगा, सीजन 4 की कल इसी ग्राउंड पे पटना बनाम सोनपुर के बीच और अंतिम लीग मैच में बहुत बड़े टीम का आगाज होगा। नीलम पारू इसकी टीम में बहुत एक सुकट के प्लेयर आना अभी बाकी है, फिर से आए हैं गेंदबाजी करने हिगी, बहुत अच्छी गति उसको दी है गणेश से खेल है गणेश को पॉइंट के खिलाड़ी ने गैदर किया, कोई गम नहीं अंपायर को क्रॉस किया और
सीजन थी धोच की दिल्ली के खाली किसान ओवर की भी समाप्ति। तो 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है 115 रन। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच मैच खेला जा रहा है भाई। कुंदन बलिंगा आए हैं बल्लेबाजी करने और जितने भी दर्शक हैं आपसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए। ऐसे करके कुंदन बलिंगा के लिए बलिंगा के स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं बलिंगा और आज बल्लेबाजी करने आए हैं और ऑफिसर से बाहर और अंपायर डॉक्टर रंजन का इशारा आता हुआ वाइन और इस अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ इसको 122 रन 14वां ओवर चलता हुआ इसके बाद भी पहले इनिंग का 2 ओवर का खेल बाकी। फिर से लड़की हमसे दूर जाते हुए यकीन और उसको रिवर्स करना चाह रहा था लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं बाकी का काम किया विकेट के बाद। ये मैच चलता हुआ व्यवस्थापक अमित कुमार और मिल्टू सिंह के बैनर तय तमाम दर्शक उपस्थित थी। विजेता टीम को स्प्लेंडर बाइक और उप विजेता टीम को फ्रीज दिया जाएगा। फिर से नंकी हमसे दूर जाते हुए मलिंगा के अस्पताल बल्ले से खेला है टिकट के पता नहीं गेंद को गैदर किया कोई रन नहीं किसको रुका हुआ 122 सोनोमा वह चल रहा है और कल 165 रन बनाई थी सुंदरपुर की टीम राजा 11 और 166 रनों का लक्ष्य दिया था हाजीपुर को लेकिन अंतिम ओवर में बोलूराम ने चार छक्का लगवाया उसके तक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वहां पर स्पेल हुआ लड्डू सिंह और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए मलिंगा के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका जहां 1 रन भी नहीं था वहां 4 रन तोहफे में मिलता हुआ और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 126 रन 126 ओवर की भी समाप्ति अच्छी ओवर कम से कम अगर 23 में 10-12 रन आप ओवर से निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर भी नहीं होता विकेट भी निकाल के दे रहे हैं गेंदबाज अब गुमराह आ रहे हैं
पॉलिटर में अंदरावा भरने जा रही है कुमला और खेल थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको बैटिंग करना है, इसलिए कैप्टन भवेश थोड़ा सा फास्ट करवाइए आप लोग तो थोड़ा सा आज, लेकिन कल से आप मैच को 1 बजे शुरू कर दिया जाएगा, कल 1 बजे मैच शुरू हो जाएगा। फिर से बुमराह अपने कोचे का अंतिम ओवर लेके आए थे, हाई स्कूल फोर से गेंदबाजी करेंगे, राई चाल राउंड कभी के गेंदबाजी करेंगी, लगभग 12-15 कदम का बॉलिंग राउंड, अंपायर सोनू को क्रॉस किया सुखी और हेमंत के बल्ले से निकलता हुआ एक और खूबसूरत सा शॉट गेंसी ने फायर से बाहर 4 रनों के लिए, एक पिक्की के साथ गेंसी ने बॉल गिराई से बाहर और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 130 132 रन है, एक वाइड वहां से छूट गए 132 और वो गेंसी ने दो गेंदों को गेंद चौका, हाथ के बल्ले से निकलता हुआ एक और खूबसूरत सब के पॉइंट से बाहर गेंद 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 136 रन 136। हमें स्कोर कौशल से जानना चाहेंगे कि अमंत का कितना स्कोर है, बुमराह फिर से अपने बॉलिंग मारते अंपायर को क्रॉस किया पीछे की और अंपायर का इशारा, एक भाई थोड़ा सा हमें भी बताते रहिएगा कि दर्शक जब भी गेंद ऊपर जाती है तो उनको लगता है कि बैट से है कि बॉल से, आपकी इशारा ही दर्शकों की, सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट की जानकारी भी रखते हैं। फिर से बुमराह अंपायर को क्रॉस किया हेमंत का गेंद और हेमंत ने उसको खेल दिया, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी हमेश कैप्टन है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया, इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 141 15वां ओवर चलता हुआ अच्छी स्थिति में जरूर कह सकते हैं आधारपुर की टीम अभी तक 141 बनाई है, उनके टीम में प्रकाश लसित मलिंगा जिनको कुंदन मलिंगा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर से बुमराह कुंदन मलिंगा के लिए, बुमराह अपने बॉल मारते सॉरी थोड़ा सा दिख और बॉल कर दिया पूरा मिडिल स्टंप लेग स्टंप और आउटर स्टंप भी खेल दिया, सॉरी स्कोर जो है वो थोड़ा सा काउंट में दिक्कत हो गया था, अभी स्कोर है 137 रन 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद 137 7 खिलाड़ी, अंपायर साहब सोनू भाई, सोनू भाई, ए सोनू भाई, ये इनिंग खत्म हो गई ना, एक बॉटल पानी मंगवा दीजिएगा, बहुत प्यास एक ओवर बचा हुआ है, हाँ ओवर खत्म होने के बाद, हाँ जल्दी जाइए खिला दीजिए एक बार,
जितने भी हमारे दर्शकगण हैं आपसे मेरी आग्रह की कम से कम पर्दा को आप लोग तो रहने दीजिए, अभी बहुत मैच बाकी है। अब जल्दबाजी करने आए हैं, अंतिम ओवर में क्या है बोलते और अपने टीम के तरफ से भी अंतिम ओवर में क्या है पहले इनिंग का गोल्डन प्रकाश के लिए और प्रकाश ने उसको खेलते उसके पीछे खिलाड़ी निशु है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया, एक तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 140 सात खिलाड़ी पकड़ी और वापस आ चुके हैं। कैप्टन संदीप आप तैयार हो जाए, पांच गेंद का खेल बाकी है, कोई भी दर्शक मैदान के अंदर प्रवेश ना करेंगे। मेरी गुजारिश है आप तमाम दर्शकों से, हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य आपसे भी आग्रह की अंदर प्रवेश न करने देंगे और स्टंप से बाहर और इस अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ इसको 140 सात खिलाड़ी पवेलियन जाने के बाद हमंत के लिए टीम का स्कोर है 140। फिर से गुलशन अंपायर को क्रॉस किया यदि और हमंत के लिए से निकलते हुए एक और छक्का शुरू कर सके लगा के देंगे उन्हें शानदार उपहार दिया जाएगा। आपको बहुत खूबसूरत सा उपहार हम व्यवस्थापक अमित कुमार और बिल्टू सिंह के बैनर तले चलते हुआ जो भी दर्शक आप गेंद लगा के दीजिए हमें खाली चेहरा दिखा देना भाई, इसलिए आपके लिए सभी बाहर रखा गया है। और इस छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 146 42 रन बना के नॉट आउट है हमन हमन 42 रन बना के नॉट आउट है गुलशन करते हुए। फिर से गुलशन अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद इस तरह से दूसरा छक्का लगता हुआ छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 152। हेमंत के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का और नीचे रह गया लेकिन अंपायर का इशारा हुआ Thank you.
की चौथा के हाई स्कूल मैदान पे हम उसको खेल दिया है। की बल्ले से लेकर वहां के खिलाड़ी है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बैठा हुआ दोनों अंपायर से आग्रह कि आप मैदान में ही रहेंगे, समय काफी हो चुका है। सभी दर्शक से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप मैदान के अंदर प्रवेश न करें। जो भी दर्शक है आपसे मेरी गुजारिश है, कैप्टन संदीप अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ मैदान के अंदर प्रवेश करेंगे। ठंड लग रही थी। जो भी रास्ते के हैं थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा। तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है दस मिनट का ब्रेक है, मैं मिलता हूँ आप लोग से 10 मिनट के बाद। ठीक है भाई, 10 मिनट के बाद आप लोग से मैं मिलता हूँ। पब्लिक देख सकते हैं काफी ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे, मैं 10 मिनट में आप लोग से मिलूंगा। देखिए गाड़ी आ चुके जाने वाले हैं, जो भी उद्घाटन करने आए थे आज के, अमित सिंह। 10 मिनट में आप लोग से मैं मिलता हूँ। ये टीम है, ठंड काफी ज्यादा है यहाँ पे भाई, टेम्परेचर है 7।